गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज अपने सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती हैं, ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस पाया जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? तो सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पोलन होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर डिपॉजिट होते हैं। ये एंथर्स एक ही फ्लावर से हो सकते हैं या अनदर फ्लावर से भी हो सकते हैं, लेकिन ये एंथर सेम प्लांट्स के होने चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस ऐसे एंथर से होता है जो सेम और अनदर फ्लावर से भी स्टिग्मा पर डिपॉजिट होते हैं, बट प्लांट्स सेम होने चाहिए। इसके एग्जांपल में ले सकते हैं अपने वीट, राइस, पी, बार्ले, एप्रिकॉट। तो ये क्रॉप्स सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आती हैं। अब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में डिफरेंट जो ब्रीडिंग मेथड होते हैं वो लिए जा सकते हैं। अगर अपने बात करें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ब्रीडिंग मेथड्स की, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखते हैं कि मास सिलेक्शन जो होता है वो फर्स्ट ब्रीडिंग मेथड है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, और इम्पोर्टेंट मेथड भी माना जाता है। तो मास सिलेक्शन ऐसा सिलेक्शन है जिसमें सेम फिनोटाइप के लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स सेलेक्ट किए जाते हैं और उनके सीड्स को मिक्स करके एक नई वैरायटी तैयार की जाती है। प्लांट्स का सिलेक्शन उनकी आउटर अपीरियंस यानी बाह्य संरचना और फिनोटाइप के आधार पर किया जाता है। यह सिलेक्शन आसानी से पहचाने जा सकने वाले करेक्टर्स के बेस पर किया जाता है, और यह सिलेक्शन ऐसे करेक्टर के बेस पर किया जाता है जैसे कि प्लांट हाइट, ईयर टाइप, ग्रेन कलर या ग्रेन साइज, डिजीज रेजिस्टेंस, टिलरिंग एबिलिटी, लॉजिंग रेजिस्टेंस या सेटरिंग रेजिस्टेंस इत्यादि। लेकिन कभी कभी क्रॉप यील्ड भी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में लिया जा सकता है। मींस क्रॉप की जो यील्ड होती है या प्रोडक्शन होता है उसे भी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में अपने सेलेक्ट किया जा सकता है। और यदि पॉपुलेशन की वेरिएशन ग्रेन करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि सीड कलर, सीड साइज और सीड टाइप के आधार पर लिया जाता है, तो सिलेक्शन के ग्रेन को मिक्स करने से पहले किया जाता है। सामान्यतः मास सिलेक्शन में प्लांट्स का सिलेक्शन प्रोजेनी टेस्ट का विषय नहीं है। मतलब ये कि मास सिलेक्शन के अंदर जो प्लांट्स का सिलेक्शन है वो प्रोजेनी टेस्ट का सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन अलाउड के अनुसार ऐसे केसेस के लिए प्रोजेनी टेस्ट जरूर करना चाहिए। ऐसे केसेस में पुअर और डिफेक्टिव प्रोजेनी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। मतलब एलॉर्ड ने बताया कि ऐसे जो डिफरेंट केसेस होती हैं उनके अंदर जो प्रोजेनी टेस्ट होता है वो मस्ट है, लेकिन ऐसे केसेस में जो पुअर या डिफेक्टिव जो प्रोजेनी होती है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, जबकि बाकी बची हुई प्रोजेनी को न्यू वेराइटी तैयार करने के लिए मिक्स कर देना चाहिए। यानी जो डिफेक्टिव के अलावा जो गुड प्रोजेनी है उसको न्यू वैरायटी तैयार करने के लिए अपने मिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार नई प्राप्त होने वाली जो पॉपुलेशन होती है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से यूनिफॉर्म होती है। मतलब जो आपको नई पॉपुलेशन मिलेगी वो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उससे यूनिफॉर्म रहेगी और अन यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो इस प्रकार से अपने मास सिलेक्शन के अंदर एक यूनिफॉर्म जो वैरायटी है वो अपने को प्राप्त हो सकती है। अगर अपने एप्लीकेशन की बात करें कि मास सिलेक्शन के जो एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशन को देखें तो मास सिलेक्शन के एप्लीकेशंस दो मेजर एप्लीकेशंस हैं। नंबर वन, इम्प्रूवमेंट ऑफ देसी और लोकल वैरायटीज़, और नंबर टू, प्योरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वैरायटी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ देसी और लोकल वैरायटीज़।
तो जो मास सिलेक्शन है उसके द्वारा अपने जो देसी या लोकल वैरायटीज हैं उसमें इम्प्रूवमेंट या सुधार किया जा सकता है। इस सुधार को करने के लिए मास सिलेक्शन से लोकल वैरायटी में सुधार करने के लिए जो लैंड है या जो देसी वैरायटी है या जो लोकल वैरायटी है आपकी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप की जो लोकल वैरायटी है उसमें सुधार जो मास सिलेक्शन है उसके द्वारा किया जा सकता है। इसका सबसे पहले अपने बात करें कि जो लोकल वैरायटीज़ होती हैं वो डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स का मिक्सचर होती है, और जिसमें फ्लावरिंग, मैच्योरिटी टाइम, डिजीज़ रेजिस्टेंस, प्लांट हाइट इत्यादि के आधार पर ये अलग अलग होती है। मतलब ये कि जो देसी वैरायटी होती है वो फ्लावरिंग के आधार पर, मैच्योरिटी टाइम के आधार पर या डिजीज़ रेजिस्टेंस या प्लांट हाइट के आधार पर अलग अलग होती है। इनमें से कुछ जो प्लांट टाइप्स होते हैं वो इन्फीरियर भी होते हैं या लो प्रोडक्शन वाले या लो यील्डिंग होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें जो लोकल वैरायटी होती है इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल लो मिलती है। तो इससे बचने के लिए जो पुअर प्लांट्स टाइप्स होते हैं इनसे बचने के लिए या पुअर जो वैरायटी होती है इनसे बचने के लिए या इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस वैरायटी में मास सिलेक्शन एकमात्र तरीका है, जिसके आधार पर हम इस वैरायटी की जो परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लोकल वैरायटी है उसको अंडर कल्टीवेशन करके, और ये जो कल्टीवेशन है वो लॉन्ग टाइम तक करना पड़ेगा, और लॉन्ग टाइम तक हम कल्टीवेशन करके इस जो लोकल वैरायटी है उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि लॉन्ग टाइम तक इसका कल्टीवेशन किया जाए और एनवायरनमेंट भी लोकल रखा जाए, जिससे ये जो वैरायटी है उस लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगी और अडेप्ट उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेगी, जिससे क्या होगा कि इसकी जो यील्डिंग जो रिजल्ट है वो अच्छे प्राप्त होंगे, और दूसरी बात इसके साथ साथ ये अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि मास सिलेक्शन से अपने देसी वैरायटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट दूसरा जो मास सिलेक्शन का एप्लीकेशंस है वो ये है कि आप प्योरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जो प्योर लाइन वेराइटीज़ हैं उसमें आप प्योरिफिकेशन कर सकते हो। इसका ये तरीका है कि जो प्योर लाइन टेंड होता है उसको वेरिएबल करके आप क्या है मैकेनिकल मिक्सचर के द्वारा आप इसको क्या है प्योरिफिकेशन कर सकते हो, और इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो प्योर लाइन वेराइटीज़ होती हैं उनको रेगुलर मेंटेन रखना पड़ता है। जो प्योर लाइन वेराइटी हैं उनको रेगुलर मेंटेन रखने के लिए मास सिलेक्शन ही एक तरीका है, और मास सिलेक्शन को अपने जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हैं उनके लिए अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। जो न्यूक्लियर सीड होता है, जो प्योर लाइन वेराइटी का न्यूक्लियर सीड होता है उसको मास सिलेक्शन के द्वारा प्रोड्यूस्ड कर दी किया जाता है। इस प्रकार से जो ब्रीडिंग मेथड है मास सिलेक्शन का जो ब्रीडिंग मेथड है वो ही एक लिमिटेड एप्लीकेशन के द्वारा सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में सुधार कर सकता है। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशंस है मास सिलेक्शन की वो इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वेराइटी और प्योरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वेराइटी अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रोसीजर ऑफ मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन के तरीके कौन से हैं, कैसे मास सिलेक्शन किया जाए? तो इसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मली 6 to 7 ईयर जो है वो इस प्रोसीजर में लगते हैं। तो अब अपने बात करते हैं कि एक नई वैरायटी को डेवलप करने के लिए मास सिलेक्शन के द्वारा अपने इसको जो फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ फिनोटिपिकली सिमिलर प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है, यानी फर्स्ट ईयर में लार्ज नंबर ऑफ फिनोटिपिकली जो सिमिलर प्लांट्स होती हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, जिन उनकी जीवन क्षमता
प्लांट टाइप, डिजीज़ रेजिस्टेंस एवं दूसरे जो डिज़ायरेबल करेक्टर्स होती हैं उनके आधार पर ये सिलेक्शन किया जाता है। इन प्लांट्स का सिलेक्शन कुछ हंड्रेड से लेकर के कुछ थाउजेंड्स तक किया जा सकता है, मतलब इन प्लांट्स को अपने 100 से लेकर के 1000 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि सेलेक्टेड प्लांट्स का नंबर ज़्यादा हो तो इम्प्रूवमेंट बहुत कम होती है। इसका रीज़न ये है कि प्लांट्स, जितने प्लांट्स के नंबर ज़्यादा होंगे उनमें उतने ही करेक्टर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जबकि प्लांट्स का सिलेक्शन यदि कम मात्रा में हो तो वैरायटी में अडेप्टेशन पुअर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने प्लांट्स का नंबर न तो ज़्यादा लें और न ही कम लें, मीडियम अगर आप लोगे तो इसमें क्या होगा कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट जल्दी से देख पाओगे। इस प्रकार से सेलेक्टेड प्लांट्स के सीड नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंपोजिट कर लिए जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने क्या कर लेते हैं, कंपोजिट कर लेते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर के अंदर जो फर्स्ट ईयर में कंपोजिट सीड्स होते हैं उन्हें कंपोजिट सीड होते हैं उनको प्राइमरी यील्ड ट्रायल के लिए ये प्राइमरी यील्ड ट्रायल IVT भी कहलाता है, इनिशियल वेराइटल ट्रायल भी बोलते हैं इसे, और स्टैंडर्ड वेराइटी के साथ इसे प्लांटेड किया जाता है। स्टैंडर्ड वेराइटीज़ को चेक की फॉर्म में लिया जाता है, मींस जो स्टैंडर्ड वेराइटी होती है या लोकल जो वेराइटी होती है जो पहले से चल रही होती है उसको चेक की फॉर्म में ले लेते हैं, और चेक वेराइटी का कंपोजिट सीड के साथ कंपेरिजन किया जा सकता है, एवं इसके फिनोटिपिकली जो करेक्टर्स होते हैं उनको क्रिटिकली और ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है। इस प्रकार से वन बाय वन एक एक करेक्टर्स को अपने नोट करते हैं, और चेक के साथ जो आपका लाइंस होती हैं या आपकी जो IVT ट्रायल्स हैं उनको कंपैरिजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सेकेंड ईयर होता है उसमें ये जो करेक्टर्स होती हैं उनको नोट किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें थर्ड टू फिफ्थ ईयर, तो थर्ड से लेकर फिफ्थ ईयर तक ये जो न्यू लाइंस होती हैं उनको इवेलुएट किया जाता है। ये न्यू लाइंस कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स कहलाती हैं। ये जो न्यू लाइंस होती है वो कोऑर्डिनेटेड CVT या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स कहलाती है, और इन कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स को डिफरेंट लोकेशंस में जिनका एनवायरनमेंट भी डिफरेंट हो और सॉइल की फर्टिलिटी भी डिफरेंट हो उसके अंदर इसे इवेलुएट किया जाता है। और ये जो लाइंस होती है वो परफॉर्मेंस के आधार पर इनका टेस्टिंग की जाती है, और इनकी जो लोकेशंस होती है वो डिफरेंट होती है। ये लोकेशंस एग्रो क्लाइमेटिक जोन होती हैं उनके आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से इन लाइंस में कंपेयर करके और इन्हें चेक के साथ ग्रो आउट किया जाता है, और लास्ट में इनकी जो डिफरेंट करेक्टर्स होती हैं उनको कंपेयर किया जाता है, और इस प्रकार से एक नई लाइन आपको मिलती है जो कि इनिशियल इवेल्युएशन ट्रायल के लिए सक्सेस होती है, और इसको एक साल के लिए अपने इनिशियल इवेल्युएशन ट्रायल के लिए रखा जाता है। यह लाइन आपकी प्रोमिसिंग लाइन कहलाती है। तो ऐसी लाइन जो थर्ड से लेकर फिफ्थ ईयर तक यील्ड में और डिफरेंट जो करेक्टर्स में ग्रो आउट की जाती है और परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है उस लाइंस को अपने प्रोमिसिंग लाइन कहा जाता है, और इस प्रोमिसिंग लाइन को प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट रीजनल ट्रायल के लिए, और जो नेक्स्ट रीजनल ट्रायल होती हैं उनके लिए डिफरेंट ईयर्स तक इस प्रोमिसिंग लाइन को ग्रो आउट किया जाता है, और यही आपकी जो प्रोमिसिंग लाइन होती है वो एक नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ की जा सकती है। तो इस प्रकार से 3 से 6 साल तक इस प्रोमिसिंग लाइन को आप एक नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट
सेवन्थ ईयर में जो न्यू लाइन है वो एक नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ की जा सकती है, और यह सूटेबल और जो डिफरेंट फार्मर्स डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं उनके लिए इसे रिकमेंड किया जाता है। यह रिकमेंड करने का कार्य एक कमेटी के द्वारा किया जाता है। ये कमेटी इसे रिकमेंड करती है और इसे एक वैरायटी के रूप में पेटेंट कर देती है। तो इस प्रकार से एक नई वैरायटी को रिलीज़ होने में 6 to 7 ईयर का टाइम लगता है। इस प्रकार से जो फर्स्ट सीड होता है, जो नई वैरायटी का जो सीड होता है, वह ब्रीडर सीड कहलाता है, और यह ब्रीडर सीड नेक्स्ट फाउंडेशन के बाद सर्टिफाइड सीड कहलाता है। जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं वो फार्मर के लिए अवेलेबल होते हैं, और उनकी जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम जो प्रोडक्शन होता है वो आपका ब्रीडर सीड का होता है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि डिफरेंट मास सिलेक्शन को डिफरेंट प्रोसीजर के द्वारा अपने समझ सकते हैं।